दोस्तों, चीन लगातार हाइपरसोनिक मिसाइलों की रेस में आगे बढ़ता जा रहा है और विध्वंसक हाइपरसोनिक मिसाइलों को बना रहा है जो पलक सपकते ही अपने टारगेट को ध्वस्त कर सकता है। लिहाजा यह भारत के लिए तो सबसे बड़ी चिंता की बात है ही, इसके साथ ही भारत के रणनीतिक पार्टनर अमेरिका के लिए भी चिंता की बात है। अमेरिका को डर है कि चीनी हाइपरसोनिक मिसाइलें उसकी सेना को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइलों को हवा में मार गिराना मौजूदा टेक्नोलॉजी के साथ संभव है ही नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइलों की रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि मौजूदा रडार सिस्टम उसे डिटेक्ट भी नहीं कर सकते, और अगर रडार ने डिटेक्ट कर भी लिया तो उसके पास इतनी क्षमता है ही नहीं कि वो वक्त रहते उन मिसाइलों को मार सके। लिहाजा अब अमेरिका उन चीनी हाइपरसोनिक मिसाइलों से अपनी और अपने सहयोगी देशों की रक्षा के लिए डायरेक्टेड एनर्जी वेपन तैयार कर रहा है, जो भारत के लिए एक अच्छी खबर साबित हो सकती है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका के डायरेक्टेड एनर्जी वेपन को बनाने से भारत का क्या फायदा होगा। वीडियो के आखिर तक बने रहें। दोस्तों, हाल ही में अमेरिकी नेवी के टॉप एडमिरल ने चीन और रूस के हाइपरसोनिक मिसाइलों को लेकर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि चीन और रूस जिस रफ्तार से अपनी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा रहे हैं, वो अमेरिका की सुरक्षा के लिए काफी चिंता का विषय है। अमेरिकी नौसेना के ऑपरेशन प्रमुख एडमिरल माइक गिल्डे ने इस हफ्ते कहा कि चीन और रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलें अमेरिकन नेवी के युद्धपोत को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि इस वक्त अमेरिका के दो जंगी जहाज चीन के खिलाफ ताइवान स्ट्रेट पर गश्त लगा रहे हैं। अमेरिकी नौसेना के एडमिरल ने कहा है कि इस खतरे से निपटने के लिए हाई एनर्जी वाले लेजर या हाई पावर वाले माइक्रोवेव का उपयोग करने वाली प्रणाली यानी हथियारों को विकसित करना अमेरिकी नौसेना के लिए काफी जरूरी है, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइलें आवाज की रफ्तार से 5 से 6 गुना ज्यादा रफ्तार से ट्रेवल करती हैं, जो अमेरिकी डिफेंस सिस्टम के लिए भी काफी बड़ी चुनौती बन चुका है। हाइपरसोनिक मिसाइलें पारंपरिक मिसाइलों की तुलना में काफी ज्यादा तेजी से उड़ान भरते हैं, जिससे उनका पता लगाना और उन्हें हवा में मार गिराना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इन्हीं खतरों को देखते हुए अमेरिकी नौसेना के शीर्ष अधिकारी ने कहा कि रूस और चीन जैसे विरोधियों ने हाइपरसोनिक हथियारों में काफी उन्नति कर ली है। दोस्तों, आपको बता दूं कि रूस ने यूक्रेन युद्ध में अपनी हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल का इस्तेमाल भी किया है, जबकि चीन ने पिछले साल हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन का सफल परीक्षण किया है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन वो कौन सी बला है जो हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी मार गिराने में सक्षम होते हैं। दरअसल डायरेक्टेड एनर्जी वेपन एक हाईली फोकस्ड एनर्जी होती है, जिसका असर बेहद घातक होता है। इन हथियारों में लेजर, माइक्रोवेव, पार्टिकल बीम या साउंड बीम का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के वेपन की तुलना अगर किन्हीं और हथियारों से की जाए तो यह मिसाइल समेत दूसरे हथियारों को भी आराम से तबाह कर सकती हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन का डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी इस तरह के वेपन्स पर ही काम करती है। ये बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को भी तबाह कर सकती हैं। अमेरिका में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लैब रेल गन का टेस्ट 2012 में किया गया था, और साल 2014 में अमेरिकी नौसेना ने फारस की खाड़ी में यूएसएस पोन्स पर एक लेजर हथियार सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण और तैनाती की थी। यह लेजर सिस्टम ड्रोन, छोटे विमान और छोटी नावों पर हमला करने और उन्हें तबाह करने में सक्षम है। वहीं पिछले साल नौसेना ने यूएसएस पोर्टलैंड पर इससे एडवांस लेजर वेपन का परीक्षण किया था, लेकिन अब खतरा हाइपरसोनिक मिसाइलों से है, इसीलिए अब हाई पावर लेजर सिस्टम बनाने की भी जरूरत है। हालांकि इस टेक्नोलॉजी को बनाने में अमेरिका ने जो शुरुआती परीक्षण किए हैं वो पूरी तरह से फेल हो गए थे। इतना ही नहीं, अमेरिका जिस हाइपरसोनिक ग्लाइड बॉडी पर काम कर रहा था उसका परीक्षण भी फेल हो गया है, क्योंकि इसमें लगने वाले बूस्टर रॉकेट परीक्षण के दौरान असफल रहे, और बिना बूस्टर रॉकेट के हाइपरसोनिक ग्लाइड का परीक्षण अमेरिका आगे नहीं बढ़ा रहा। इसलिए अमेरिका डायरेक्टेड एनर्जी वेपन पर अधिक ध्यान दे रहा है। आपको बता दूं कि अमेरिकी नौसेना में इस्तेमाल होने वाले लेजर वेपन मौजूदा समय में सबसे ज्यादा एडवांस और शक्तिशाली हैं, लेकिन इनसे हाइपरसोनिक मिसाइलों को नहीं रोका जा सकता। इसलिए अमेरिका इस टेक्नोलॉजी को और ज्यादा कामयाब करने के लिए लगातार रिसर्च कर रहा है, जो दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना यानी अमेरिकी नौसेना को पूरी तरह से अभेद्य किला में बदल देगा। क्योंकि अमेरिकी नौसेना की योजना साल 2025 तक इस सिस्टम को अपने युद्धपोत पर और साल 2028 तक इस टेक्नोलॉजी को अपने पनडुब्बियों पर तैनात करने की है। अब दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो के शुरुआत में ही आपसे कहा था कि अमेरिका के इस हथियार से भारत को भी फायदा होगा, तो अब सवाल है कि आखिर भारत को इस हथियार से फायदा होगा तो कैसे होगा। तो चलिए जानते हैं।
आपको तो पता ही होगा कि भारत भी लेजर वेपन दुर्गा 2 और काली 10,000 पर काम कर रहा है, जिसमें दुर्गा 2 मोबाइल लेजर वेपन होगा, यानी इसे सीमा के करीब तैनात किया जाएगा, जबकि काली 10,000 को नेवी के डिस्ट्रॉयर शिप पर लगाया जाएगा। वहीं अमेरिका अपने सभी हथियारों पर लेजर वेपन इस्तेमाल करेगा, जिसमें हवा से उड़ने वाले लड़ाकू विमानों से लेकर समुद्र में चलने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर, यहां तक कि समुद्र की गहराई में छुपे रहने वाले पनडुब्बियों में भी इसका इस्तेमाल करेगा, जिसकी मदद से अमेरिका अपने देश की और देशवासियों की सुरक्षा किसी भी मिसाइल से, चाहे वो हाइपरसोनिक मिसाइल हो, न्यूक्लियर मिसाइल हो या फिर बैलिस्टिक मिसाइल हो, अमेरिका किसी भी वक्त किसी भी जगह से अपने देश की रक्षा कर सकेगा। दोस्तों, खबरों की माने तो भारत के दुर्गा 2 और काली 10,000 को बनने में अभी काफी समय है, जबकि वहीं अमेरिका साल 2025 से साल 2028 तक अपने सभी हथियारों पर इसको इंस्टॉल कर लेगा। ऐसे में एक खबर निकलकर और सामने आ रही है, और वो खबर यह है कि भारत इस हथियार को बनाने के लिए अमेरिका की मदद ले सकता है, और भारत भी इस हथियार को साल 2025 से साल 2028 तक अपने सभी हथियारों पर इंस्टॉल कर सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हम आपसे एक राय लेना चाहते हैं, क्या भारत को इस हथियार को बनाने में अमेरिका की मदद लेनी चाहिए या भारत को अपने ही दम पर इस हथियार को बनाना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं, हम आपके राय का इंतजार कर रहे हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। मिलते हैं ऐसे ही रोमांचक वीडियो के साथ, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।